दोस्तों, सर्दियों का मौसम होता है कुछ गर्मा गर्म और एकदम चटपटा सा खाने का। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज माहेश्वरी रसोई में हम बनाएंगे मेथी मलाई भरमा पराठे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसके साथ एक बहुत ही स्पेशल मिर्ची बनाएंगे। यकीनन इस तरीके का ये कॉम्बिनेशन आपने अब से पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है, बनाने में कोई विशेष तामझाम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही झटपट से ये अमेजिंग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एकदम नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस अमेजिंग रेसिपी का जो डो लगेगा वो थोड़ा सा अलग तरीके से लगेगा, तो चलिए उसे लगा लेते हैं। हम मेथी मलाई पराठे बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने 250 ग्राम जितनी मेथी ले लिया है। मेथी को अच्छे से साफ किया, 2-3 पानी से वॉश किया और उसे एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है। और मेथी मलाई पराठे हैं तो हमें ज़रूरत होगी मलाई की, आधा कप जितनी फ्रेश मलाई लिया है। और इसके लिए आपको जो मलाई लेनी है वो बिल्कुल फ्रेश लेनी है। और उसके बाद बारी है डो लगाने के लिए आटा लेने की। मैंने 2 कप जितना आटा लिया है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। नॉर्मल आटा है, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा बारीक है, तो आटा अच्छे से लग जाए उसके लिए मैं इसे बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून जितना बेसन। फ्रेंड, बेसन आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन स्किप ना करें, क्योंकि बेसन बहुत ही अमेजिंग इन पराठों में टेस्ट देगा। और 1/2 टीस्पून नमक डाला, 1/2 टीस्पून अजवाइन हाथ से क्रश करके डाल दी। और अब डाल देते हैं ये मेथी। फ्रेंड्स, ये पराठे खाने में टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी होते हैं, तो आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और इसके साथ जो मिर्ची बनाएंगे ना, वो तो अमेजिंग होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। और अब जो हमने वो मलाई रखी थी, वो मलाई डाल दी। और पहले मलाई को आटे और मेथी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, इसमें आपको बेकिंग पाउडर, सोडा या कोई भी कुकिंग ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें जो मलाई डाली है उससे पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, खस्ता बनेंगे, टेस्टी बनेंगे। और बस थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए मैंने इस तरीके से एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लिया है। आटे को हल्का सा चिकना कर दिया और अब ढककर इसको आराम करने के लिए रख देते हैं। और जितने डो आराम करता है उतने ही हम बनाएंगे वो बहुत ही टेस्टी मिर्चें। और मिर्चें बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने ये मोटी वाली मिर्चें ले ली हैं। ये बहुत ही कम तीखी होती है। अगर आप थोड़ी बहुत मिर्चें खाते हैं तो आपको बहुत पसंद आएंगी। यहाँ देखिए, अगर आपके बच्चे थोड़ी बहुत मिर्चें खाते हैं ना, तो उन्हें भी पसंद आएंगी। मिर्चों को बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लिया और उसके बाद एक साफ सूती कपड़े से पोंछ के तैयार कर लिया है। हम स्टफ मिर्ची बना रहे हैं, इसलिए चीरा लगाना कंपलसरी है। तो बस एक एक कर मैंने सारी मिर्चों पर चीरा लगा लिया है। अब आ रही है इसके लिए बहुत ही मज़ेदार स्टफिंग बनाने की। और स्टफिंग बनाने के लिए गैस ऑन करी, कढ़ाई रख दी। और कढ़ाई में हम डाल देंगे करीब 1 टेबल स्पून जितना सरसों का तेल। अगर आप सरसों के तेल के साथ ट्राई करते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट करती है, वरना आप जो भी नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसे ही कढ़ाई में डालकर गरम कर लें। और उसके बाद लिया 1/2 कप जितना बेसन। फ्रेंड्स, आज जो मिर्ची बना रहे हैं वो नॉर्मल बेसन वाली स्टफ मिर्ची नहीं है, इसमें कुछ स्पेशल चीज़ डालेंगे, जो कि होगी तो बहुत ही कॉमन, लेकिन आपकी मिर्चों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगी। आज तो खैर हम इसे भरमा पराठों के साथ ट्राई कर रहे हैं। अगर कभी आपका कुछ सब्जी वब्जी बनाने का मन ना हो, तब भी आप इन मिर्चों को बनाइए। आप आराम से इनसे पराठे खा सकते हैं। और बेसन अच्छे से भून गया, अब डाल दिया 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर। और ये मैंने लिया है 1 टीस्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी बहुत ही कम होती हैं पर कलर बहुत शानदार आता है। और उसके बाद लिया 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर। और उसके बाद डाला टेस्ट के हिसाब से नमक। और ये गया दरदरी खरी हुई सौंफ। मिर्चों में सौंफ का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है, इसलिए सौंफ को तो इसके बिल्कुल भी ना करें। 1 पिंच जितनी हींग डाल दी। अब मसालों को बेसन के साथ और अच्छे से भून लेते हैं। और ये लीजिए, हमारे बेसन और मसाले दोनों बहुत ही बढ़िया से भून चुके हैं। इस तरीके से थोड़ा प्रेस करते हुए भूने, जिससे इसमें गुठली वगैरह ना पड़ जाए। और उसके बाद डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिससे बहुत ही बढ़िया इसमें अरोमा आएगा। ये गया खूब सारा हरा धनिया। ऑलमोस्ट हमारी जो स्टफिंग थी बनकर तैयार हो गई है। अब बारी है स्पेशल चीज़ डालने की, और वो मैंने लिए हैं
चार छोटे साइज के आलू, अगर आपके पास जो आलू है उनका साइज बड़ा है तो आप दो आलू ले सकते हैं, आधा कप जितने मैंने उबले हुए और कद्दूकस करे हुए आलू लिए हैं। और उसके बाद गया एक प्याज और फ़ौरन बस अब आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। इसमें आपको जो प्याज रखना है ना वो इस तरीके से कच्चा रखना है, प्याज को आपको भूनना नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तो हम इसे मिर्चों में भरेंगे और उसके बाद हम उसमें एक बढ़िया सा तड़का लगाएंगे। तो बस अब आ रही है मिर्चों को अच्छे से फिल करने की। दोस्तों उसके लिए एक एक मिर्च लेते जाएं, मसाले को लें और अच्छे से प्रेस करते हुए इन्हें फिल कर लें, मसाले एकदम टाइट करके भर लें। और फ्रेंड्स जब आप मसाला भरने वाले हों उससे पहले मसाले को टेस्ट जरूर कर लें, क्योंकि जो कोई टेस्ट आपको मिलने वाला है वो सिर्फ मसाले से मिलने वाला है। अगर आपको लग रहा है जगह थोड़ी सी कम है तो इस तरीके से आप इसके बीज निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो मिर्ची बनेंगी ना बहुत ही अमेजिंग बनेंगी। और ये लीजिए मिर्ची भरकर तैयार हो गई हैं। अब मैंने ले लिया है एक इस तरीके से एक चौड़े से बॉटम का पैन, इसमें मिर्चों को बनाना थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहेगा। और उसमें डाल दिया 2 टेबल स्पून जितना सरसों का तेल, तेल हो गया बढ़िया सा गर्म। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना जीरा, और जीरे के साथ ही 1/2 टीस्पून जितनी राई डाल दिया है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिर्चें बहुत ही बढ़िया बनेंगी। और ये गया 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, जिससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। और आप अपनी जो हमने फिल करके तैयार मिर्चें रखी थी एक एक करके ये डाल देंगे और 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरीके से रहने देंगे। और उसके बाद हल्का सा उलट पलट लेंगे। इन मिर्चों को पकने में फ्रेंड्स हार्डली 5 से 6 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि मिर्चों को पकने में समय नहीं लगता और मसाला हमारा ऑलरेडी तैयार है। तो बस 2 मिनट के करीब हो गए हैं, मिर्चों में जो एक्स्ट्रा पानी था वो उड़ गया है। तो अब पैन का ढक्कन लगाकर हम इसे 5 मिनट पकाएंगे। और 5 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाया, एक बार और अच्छे से उलट पलट देते हैं। और ये देखिए मिर्चें बहुत ही अच्छे से पक रही हैं, काफ़ी अच्छी सी इनमें से खुशबू आ रही है। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए और कवर कर देते हैं। हार्डली 6 से 7 मिनट में बहुत ही टेस्टी मिर्चें बनकर तैयार हो गई हैं। इन मिर्चों को आप साइड डिश की तरह भी रख सकते हैं, कि कभी आपने दाल बनाई है साथ में रख दीजिए। और अब बनाएंगे वो जो हमने पराठे के लिए डो लगाया था उसके लिए एक मज़ेदार स्टफिंग। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। और आप देख सकते हैं आलू काफ़ी खिले खिले से हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज के प्याज जिसे बारीक बारीक काट लिया है, और 2 हरी मिर्चें ले ली। और इसके बाद डाला फ्रेंड्स टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर, और उसके साथ ही मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जितना कचौरी मसाला, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और स्पेशल टेस्ट देने के लिए 1 टीस्पून ही लिया है मैंने चाट मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी जिसे हाथ से क्रश करके डालेंगे। और इसमें मैंने डाली है 1 टेबल स्पून जितनी दरदरी सौंफ, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब आ रही है इसे अच्छे से मिक्स करने की। फ्रेंड्स इसके लिए आपको स्टफिंग को भूनने भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस आलू उबालते हुए ध्यान रखें कि उन्हें ओवर कुक ना करें। और अब आ रही है फ्रेंड्स अपने ये बहुत ही टेस्टी मेथी मलाई पराठे बनाने की। तो आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से आराम कर चुका है, क्योंकि मिर्च बना लिए हैं, इसी बीच में हमने डो के लिए स्टफिंग बना ली है, आटा बढ़िया सा सेट है। तो अब बस नॉर्मल पराठों से थोड़ा सा बड़ा बड़ा हम पेड़ा लेते जाएंगे और थम और फिंगर के साथ में हल्का हल्का प्रेस करते हुए हम इसे इस तरीके से बड़ा कर लेंगे, जिससे साइडें रहेंगी थोड़ी सी पतली और बीच का पोर्शन थोड़ा सा मोटा। और बस काफ़ी लचीला सा आटा लगकर तैयार होता है, जो इससे पराठे बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। ये लीजिए एक पेड़ा तैयार है। तो एक और बना लेते हैं। उसके लिए बस दूसरा तरीका है कि आप बेलन लें और इस तरीके से उसे पतला पतला सा साइडों से बेल लें, जिससे बीच का हिस्सा थोड़ा सा मोटा रहे। और स्टफिंग भरते हुए बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, जितना आपने आटा लिया है बिल्कुल उतनी आप स्टफिंग लें। और इस तरीके से चुन्नटे भरते हुए आप इसे अच्छे से सिक्योर कर लें। और ये लीजिए हमारा एक और पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। और अब आ रही है फ्रेंड्स पराठे को बेलने की। तो बेलने का तरीका वो ही है जो नॉर्मली भरमा पराठों को होता है। पहले उंगलियों के साथ हल्का हल्का सा प्रेस कर लें, इससे कोई एयर बबल होता है तो वो निकल जाता है। प्लस कई बार क्या होता है कि स्टफिंग अच्छे से सेट नहीं होती है, वो भी सेट हो जाती है। और हल्के हाथ से हम इसे अच्छा बड़ा सा बेलकर तैयार करेंगे, क्योंकि खूब सारी हमने स्टफिंग भरी है, साथ ही हमने जो डो लिया था वो भी थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, तो पराठा भी थोड़ा सा बड़ा बनेगा।
जिसे होता है ना बिल्कुल ढाबा स्टाइल आपका पराठा बनकर तैयार होगा। तो चलिए एक बिल गया, एक और बिल लेते हैं और ये लीजिए दोनों पराठे बिलकर तैयार हो गए हैं। तो अब बारी है सेकने की, तो बस गैस ऑन करिए, उसके ऊपर तवा रख दिया और तवे को मैंने थोड़ा सा देसी घी के साथ ग्रीस किया है। फ्रेंड्स ये पराठे आप देसी घी के साथ बनाइए, मेथी मलाई पराठे का प्रॉपर टेस्ट आपको देसी घी के साथ ही मिलेगा। अगर आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल में सेकना चाहते हैं तो भी सेक सकते हैं, टेस्ट तो भी बढ़िया मिलेगा। और बस जैसे ही पराठा एक तरफ से हल्का सा सेका, टर्न कर दिया और ऊपर से देसी घी अप्लाई करेंगे और उलट पलट कर अच्छे से हम पराठे को जब तक सेकेंगे जब तक अच्छे से पराठा करारा नहीं हो जाता। और ये देखिए पराठा बहुत ही अच्छे से सिक रहा है, काफ़ी अच्छा इस पर कलर आ रहा है। फ्रेंड्स इसमें से जो मेथी की खुशबू आ रही है ना वो बहुत ही बढ़िया आ रही है। हमने फ्रेंड्स इसमें मलाई डाली है, इसकी वजह से हमारा पराठा काफ़ी खस्ता बनकर तैयार हुआ है। और आप उसका साउंड सुन सकते हैं, क्या अमेजिंग इसका साउंड है, बहुत ही क्रिस्पी सा साउंड कर रहा है। तो चलिए उलट पलट के पराठे को एकदम बढ़िया सा सेक लिया, एक सेक कर तैयार है, डिश आउट किया, सेम प्रोसेस से दूसरा सेक लेते हैं। हल्का सा सिका, टर्न कर दिया और ये देखिए क्या बढ़िया कलर आया है। अच्छे से देसी घी लगा दिया और इस तरीके से हल्के हाथ से मीडियम टू लो फ्लेम पर प्रेस करते हुए बढ़िया सा ये पराठा भी सेक कर तैयार है। तो अब बारी है फ्रेंड्स प्लेटिंग करने की, तो ये देखिए मिर्चें साथ ही कचूमर रख दिया और ये रखी हरे धनिए की तीखी वाली चटनी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये रख लिया बूंदी का रायता और अपने ये रखे बहुत ही करारे बहुत ही टेस्टी मेथी मलाई पराठे। साथ में बेस्ट कॉम्बिनेशन के लिए मैंने रखा है बटर, और आप तो इन्हें बिना बटर के भी सर्व करेंगे तब भी बढ़िया टेस्ट करेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें स्टफिंग कितनी सारी है और कितनी बढ़िया लग रही है। तो मुझसे अब वेट नहीं हो रहा है, तो चलिए अब इसे टेस्ट भी कर लेते हैं। तो बस ये पराठा लिया और मिर्ची आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आएगा। इन सर्दियों में अगर आपने इस कॉम्बिनेशन को एक बार ट्राई किया ना तो आप इसे बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेस्टी है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसलिए अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों एकदम मिनटों में बनी हुई ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।